नमस्कार, मैं प्रांजलि सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। और वक्त हो चुका है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। अमेठी में जगदीशपुर ब्लॉक के गुलजार मऊ गांव के रहने वाले मंगरू पासी को 10 साल पहले पुलिस ने स्मैक और गांजा बरामद करते हुए जेल भेजा था। जेल से आने के बाद मंगरू राम पासी ने चुनाव में भाग लिया, जिसमें हारने के बाद राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया। फिर अब वो खेती किसानी और स्कूल चलाकर खुश है। अमेठी में भारतीय नौसेना के 73 स्थापना के अवसर पर सैनिक स्कूल में स्थापना दिवस मनाया गया। अमेठी जिला भर में भाजपा की जीत के बाद लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दिया। अमेठी पुलिस कार्यालय गौरीगंज में SP लामारन ने जनता दर्शन में आए फरियादियों की शिकायतों को सुना और साथ ही उनके निस्तारण के लिए माथतों को आदेश दिया। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने वाले भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर इंडियन आइडल फेम ऋषि सिंह भक्ति संगीत से अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। बहराइच में SP प्रशांत वर्मा ने जनता दर्शन में आए फरियादियों की शिकायतों को सुना और साथ ही उनके निस्तारण के माथतों को आदेश दिए। रामपुर में देर रात एक मालगाड़ी जो दिल्ली से रुद्रपुर जा रही थी, अचानक पटरी से उसके 2 डिब्बे उतर गए, जिससे इस घटना से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मालगाड़ी की जो 2 डिब्बे पटरी से उतर गए थे उन पर काम शुरू कराया। बलरामपुर में 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे CM योगी आदित्यनाथ। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इन खबरों को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से YouTube के जरिए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।